हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सागर बर्ड केयर। तो आपको पता होगा कि मेरा एक कबूतर है, सफ़ेद चीना, जो है वो नहीं आया, बोले तो उस दिन नहीं आया था। कल आपने देखी होंगी वीडियो रात की। तो आज सवेरे मैंने आपको दिखाया था कि किधर बैठा था। तो आज जो है ना, वो अपने आप जो है दिन भरे में वो नहीं क्या पिंजरे के ऊपर अपना बैठा हुआ है। मैं अभी जस्ट काम पर से आया, अभी बज रहे 7 रात के, नहीं 6:30 बज रहे दोस्तों। और अभी जस्ट मैंने जो है लाइट लगा के कबूतरों को भी खोला है अभी यहाँ पे। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैठा हुआ है वो, मैं दिखा था वो आपको। अभी जो है वो आया है इधर, बोले तो बहुत देर से बैठा होगा, मैं अभी आया तो ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए दोस्तों। और अंधेरे में बैठा था, अच्छा हो गया बिल्ली नहीं आई, नहीं तो इसका काम हो जाता था फिर। और ये पर बंधा हुआ है, कबूतर है, ठीक है। तो इसके कल अपन पर खोल देंगे, और जिससे ये जो है ना खुला, बोले तो आप समझ रहे होंगे कि उड़ पाए और इधर उधर बैठ पाए, सही है। तो देख पा रहे होंगे आपका अपना कबूतर जो है वापस आ चुका है। अभी मैं जस्ट अभी देखे कुलूप ताला खोल रहा हूँ अपना कबूतरों का। तो ये ताला अभी खुल दिया है अभी। तो सुबह तो वो नहीं आ पाया, अभी जो उसने ना अभी आया, 2 दिन से भूखा है, अभी उसको दाना वाना डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं ये गेट खोलता हूँ और उसको जो है अंदर डालता हूँ, फिर जो है कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्या करता है कबूतर, क्या नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने उसको जो है अंदर कर लिया, अभी ये पिंजरे के अंदर ये आ चुका है अभी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है और कुछ भी नहीं खाया हुआ है उसने, पूरा भूखा है अभी। नीचे दिख रहा है कबूतरों की तरफ अपने, और कबूतर आ चुका है, वो बहुत अच्छी बात हो गई अपने लिए। देखिए दोस्तों, बोले तो क्वालिटी के अच्छे, बोले तो घर पर आ रहे समझदार कबूतर है अपने, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि नस्ल जो है अपनी सही चल रही है, ठीक है। बोले तो जोड़ा जो है ये परफेक्ट जोड़ा लगा हुआ है अपने घर पे, ये दोनों का। तो कबूतर जो है वापस आ चुके हैं दोस्तों। तो ये भी बच्चा जो है उड़ के वापस आ रहा है अभी, और इंशाल्लाह भगवान की दुआ से, भगवान की दया से जो है अपन जो है वो कबूतर उड़ाएंगे, बढ़िया कबूतर उड़ाएंगे, और कबूतर का शौक जो है आपको मैं कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपने देखे होंगे मैंने सुबह जो है कबूतरों के पर खोल के जो छोड़ा था बाहर, ठीक है। तो इस मादी के नीचे के अंडे सरकाना पड़ता, निकालना पड़ता, क्योंकि मादी जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा मानती हुई ख़राब हो रही है उसकी कंडीशन। तो देखता हूँ मैं किसके नीचे डालूँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। अभी पैसे भी नहीं है मेरे पास, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है। उसके बच्चे निकलेंगे तो वो पालेंगे कैसे, वो ठीक नहीं रहेंगे तो पालेंगे कौन। तो उसमें थोड़ा मेरा प्रॉब्लम होता हुआ दोस्तों कबूतरों में मेरे, बस। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं रखता हूँ, डालता हूँ इनको गेहूँ, थोड़े दाने वाने डालता हूँ, और कंटिन्यू करता हूँ, पानी वानी भी रखता हूँ कबूतरों को, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये मादी यहाँ पे बैठ, ये जोड़े ने ये यहाँ पे कन ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं रखता हूँ अभी दाना डालता हूँ इनको कबूतरों को, पानी वानी भी रखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ कबूतर भूखा होगा तो दाना वाना फटाफट खा ले उसका भी जो है ना, बोले तो उसका भी काम हो जाए, फिर अपन देखेंगे क्या होता है, तो क्या सीन बनता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने लाया अंदर से गेहूँ, और जो है अपने कबूतरों को 3 जगह पे डाला हुआ है, एक जगह यहाँ पे डाली हुई है, एक जगह यहाँ पे, और एक जगह वहाँ पे। और कबूतर देख पा रहे होंगे मस्ती में आ रहा है, अभी नाच भी रहा है, उसको समझ में आ गया अपना घर में आ गए, अपन अपनी जगह पर आ गया अभी। और ये वाले अंडों को क्या करूँ मैं, क्या समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो अभी किसी और के भी अंडे नहीं हुए हैं, उससे पहले अभी किसी के अंडे हो जाए तो वो उसके नीचे डाल देंगे अपन, क्योंकि वो लाल मादी जो है वो बीमार हो गई है दोस्तों, ये वाली बैठ बैठ के। तो मैं सोचता हूँ अभी इनको दाना वाना खाने के लिए जो है ना बंद रखना पड़ेगा मेरे को गेटा, दाना नहीं खा रहे कबूतर। तो पूरे कबूतरों को बाहर निकाल के मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इनको बंद कर, बोले तो गेट जो है इनके, ये जो गेट है दोस्तों, ये बंद करना पड़ेगा, और कबूतरों को जो अंडे हुए जो बैठे हुए रहते इनको नीचे निकाल के जो है दाना खाना, बोले तो दाना खाओ भाई फटाफट, पहले दाना वाना खाओ और बाद में जो है गेट खुलेंगे, ऐसा करना पड़ेगा मेरे को। तो ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो है ना कबूतर कम दाना खा रहे हैं और अंडों पे बैठे रहते हैं, तो कबूतरिया जो है वो बीमार हो रही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बांधा हो रहा है अपना कबूतरों का, बस इस खान को नहीं कर सकते अपन बंद, क्योंकि इसको झकन नहीं है, बाकी सब पेटियाँ मैंने बंद कर दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे।
तो आप भी अपने कबूतरों को ऐसे ही कर सकते हो, पहले पेट भर दाना खाने दे और बाद में जो है उनको जो है ना फिर जो है अंडे पे पानी वानी पीने के बाद में जो है रखे, जिससे क्या होगा उसका जो है ना वजन कम नहीं होगा और बीमार नहीं गिरेंगे कबूतर। ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और वो जो कबूतर है जो आया हुआ अपना वापस, वो यहाँ पे दाना खा रहा है, देखिए बड़ा कबूतर है। और इसके पर भी मैंने खोले थे सुबह, इसको उड़ा के देखा मैंने, तो ये ज़्यादा उड़ा नहीं। अभी खुलने में टाइम लगेगा दोस्तों, 15-20 दिन और लगेंगे इनको खुलने में, फिर उड़ाना चालू हो जाएगा अपना कबूतर। उड़ाएंगे अपन, देखेंगे कैसे उड़ते क्या उड़ते, ठीक है। और मैं कब उड़ाते जाऊँगा, जब घर पर रहूँगा तब टाइम लूँगा उनका, जब थोड़ा तो अभी देख पा रहे होंगे आप। तो ये जुगाड़ आप भी बना सकते हो, आपके कबूतर नीचे होंगे, आपके कबूतर सही होंगे, जोड़े आपने बढ़िया बेहतरीन लगाए होंगे, अच्छे वापसी वाले जोड़े आपने लगाए होंगे, बच्चे उसके वापसी करते होंगे, बढ़िया अच्छी नस्ल के आपने लगाए होंगे, तो घर पे वापस आएंगे दोस्तों। तो आपने देखे होंगे कि मेरे जितने भी कबूतर उड़े थे ना, सबके सब वापस आए, और मैं ना आंगन में खोलता हूँ ना बाहर मैंने खोले कभी ना कहीं, सिर्फ मैं पिंजरे के अंदर रख के जो है ना धूप दिया था इनको। और ये देख पा रहे होंगे मैंने क्या करा था मालूम है, आज ये छतरी जो है ना खोल के रखा था, इसमें कबूतर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें खाली है, ये जो छतरी है ये सिर्फ वो भी खड़ी करके जो है ना मैंने रखी थी बस, आज समझ रहे हैं आप, बस उसमें कबूतर नहीं है, खाली है वो बस। तो वो आया बैठा, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को कि वही कबूतर सब के सब जो है मेरे वापस आए, ठीक है दोस्तों। तो शौक करें आप कबूतरों का मेरे, और मैंने क्या करा फाटक बंद करा है, देखिए दोस्तों खन में जाने के लिए कबूतरी गड़बड़ करती हुई, और ऐसे ही करना पड़ता अभी अपने को, पहले दाना खाने देंगे बाद में जो है ना बंद अपने तो खोलेंगे, पहले दाना खाए पाना वाना पिए पानी पीनी पिए और बाद में जो है अपन इनको जो है ना खन में जाने देंगे, वैसे नहीं जाने देंगे अभी। तो चलिए दोस्तों अभी कबूतर खाते रहते दाना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो इनको खाने देते दाना, और मैं जो है ना पानी लाता हूँ हाफसी का हैंडपम्प का नया पानी, ताज़ा पानी कबूतरों के लिए लाता हूँ, ये थोड़ा ख़राब हो गया है कबूतर, तो कल देने वाला हूँ मैं। तो ये जोड़े को इधर के कबूतरों को खोलता हूँ मैं, वो जो सही कबूतर है उनको खोलता हूँ, जो ख़राब है उनके रन देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ना कबूतर की इधर की पेटी जो है सही है मेरी, तो इधर की पेटी जो है दोस्तों सही है, तो इसके जो है ना दरवाज़ा खोल देंगे, बोले तो सही बोले तो इधर के कबूतर जो है दोस्तों सही है, उधर के कबूतर तो उनको खोल दिया है मैंने, उनके उनके खन जो है खोल दिए है अभी, और इधर के जो है ना थोड़ा मस्ती बोले तो प्रॉब्लम करते हुए मेरे लिए थोड़ा टेंशन में ला रहे हैं मेरे को, और उसमें मेरे पास पैसे भी नहीं कुछ भी नहीं दवाई लाने के हिसाब से। तो आपसे मेरे को चाहता हूँ आप पूरी वीडियो देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे कर सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन दिखेगी और मेरा जो है ना वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो है ना अभी मैं ला रहा हूँ पानी, ठीक है, तो आप बने रहे वीडियो में, जाए ना मेरे सब कबूतर वापस आ गए, ये भी कबूतर वापस आ गया पानी के लिए देख रहा है मेरी तरफ। तो चलिए पानी रखता हूँ मैं, थोड़ा वो आंखें लगा रहा है वो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पानी लाता हूँ मैं दोस्तों, वो कबूतर ने पानी भी पी लिया अपने, वो उधर चला गया अभी पानी पी के, वो जो है ना वो नीले कबूतर के बाजू में ऊपर वो मान झटक रहा, उसने पानी भी पी लिया अपना, वही कबूतर जो है वापस आ गया अभी। तो ये बाकी के सब पानी पी रहे हैं अभी बढ़िया, और सब जोड़े वाले कबूतर को मैंने बोले अंडे पर बैठे वाले जो कबूतर थे उनको सबको मैंने बाहर निकाला अभी, थोड़ा पानी वानी पिए सब कबूतर, पानी पिए ये सब पानी कबूतर पिए और अच्छे से रहे, बीमार ना हो। अभी क्या बोल रहा हूँ समझ लो, मैं अंडे पे बैठे रहते कबूतर, बोले तो कबूतर अंडे पे बैठे रहते, मैं रहता इनके पीछे, बड़े वाले जो बाहर निकलता उनके पीछे, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं बराबर। तो क्या हो रहा, कुछ पानी पी रहे कुछ नहीं पी रहे, कुछ दाना खा रहे कि नहीं खा रहे, उनका जो है ना उनके हिसाब से चल रहे हो, उसमें हो रहे बीमार। वो देख पा रहे होंगे माधी बैठी हुई है उधर, इसको देंगे अपन दालचीनी का पानी, देखेंगे क्या होता है। तो ठीक है, ये मादी देखिए दोस्तों, ये बेहतरीन हो गई है अभी, ये जागचीनी मादी देख पा रहे होंगे पानी पे बैठी हुई, ये वाली मादी सामने की मेरे, ये बेहतरीन चल रही है दोस्तों, अभी ये ठीक हो चुकी है, इसकी बीमारी जो है वो ऊपर वाली को लग गई अभी, सफ़ेद वाली,
और उसके नीचे हो गए अंडे, और उसके अंडे जो है वो दूसरे के है लगे तो, और उस और अंडे वो सरकाना पड़ेगा किसी और के नीचे वो, पर वो और किसी के अंडे होने के, किसी के अंडे होएंगे ही नहीं, होएंगे दोस्तों। अपन क्या करेंगे अभी, ये जो मादी के अंडे है, ये वाली मादी अंडा देने वाली है ना, अभी ये मादी अंडा खन में दे देंगी, तो इसके अंडे हटाएंगे दोस्तों। इसके अंडे हटाने के बाद में ये जो मादी के अंडे उसके नीचे रखेंगे, पर इसने बच्चे भी पालने को होना ना, फिर वो जो जल्दी निकलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा अपना, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे अपन क्या होता है। तो 10 दिन में अभी और दूसरा अंडा देने वाली है ये कबूतरी, तो इसके अंडे हटा के, इसके नीचे के अंडे जो है उठा के ये मादी के नीचे डालता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएंगी, फिर इसके नीचे कोई रहेगा नहीं, तो फिर जो है ना इसके खुद के अंडे वापस से हो जाएंगे 15-20 दिन के बाद, और वो ये सही हो जाएंगे, ऐसे करने वाले अपन, और फिर कोई वांदा ही नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब फाटक खोलता हूँ मैं सब कबूतरों का, कबूतर परेशान हो रहे थोड़े, ठीक है। मैंने पानी रखा और मादी जो है दाना खाने के बाद बच्चे को देने को चली गई दाना, और उस मादी के नीचे का अंडा जो है मैंने हटा लिया है अभी, और वो डाला है मैंने कल्सरी कबूतरी के नीचे, वो इधर की बाजू की आपने जो मैंने बताया था उसके नीचे मैंने डाला है, ठीक है। और बाकी कबूतर यहाँ पे पानी पी रहे हैं अभी बढ़िया। और ये देखिए दोस्तों बच्चा आया, काली आंख वाला बच्चा, ये अपने घर का, ये बहुत ही मस्ती करता है दोस्तों, ये बहुत ही बोले तो होशियार भी है, चंट भी है, वापस आ गया अपने घर पर ये भी। और ये सूखे वाली मादी जो है ये भी पानी पीने को आ चुकी है दोस्तों, देख पा रहे होंगे उसका जो है ना थोड़ा मसला हो गया थोड़ा, और पानी पी लिया उसने बढ़िया। और आप भी आपके कबूतर जो सूखे में जा रहे होंगे, कुछ बीमार हो रहे होंगे, तो उनकी पूंछ काटा करें, जिनमें उनमें चलने के लिए मतलब चलने में आसानी होती है, और फिर जल्दी ठीक होता है कबूतर, बोले तो उसको को ऐसा होता है जब बीमार होता है ना कबूतर, तो पूंछ की वजह से चल नहीं पाता, फिर बीमार होते रहता, ठीक है, बोले तो उससे भी बेहतर ख़राब फिर कंडीशन में आ जाता वो। तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों नर जो है वो अंडे के नीचे बैठ रहा है, देख पा रहे होंगे अंडा इसने एक्सेप्ट कर लिया है अभी, और इसके नीचे का अंडा मैं कल सुबह जो है इसका अंडा हो जाने के बाद, इस मादी का अंडा हो जाने के बाद रख देंगा, ठीक है। और ये मादी भी थोड़ी बेहतर हो रही है मेरे ख्याल से, धीरे धीरे ये भी सुधर रही है अभी। और दाने जो है अपन कबूतरों को डालते हैं अभी, कुछ कबूतर पानी वानी पीने के बाद में और दाना खाते हैं मेरे वैसे। तो ये देखिए दोस्तों अब कबूतर खा रहे हैं गेहूँ डाले हैं अपन ने, और कबूतर जो है पानी वानी पी के यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके पर जो है खुलने वाला हूँ मैं। अपने को क्या है सिर्फ घर पसंद बोले तो घर पहचान में आने को ना कबूतर को, तो घर पहचान में आ रहा है उसके, बस अपने को क्या होना बाकी, उसके घर पहचान में आने को होना, उसने उड़ने को होना, उड़ने के बाद भी घर के घर पर आने को होना, बराबर उतर जाने को होना, बस वो समझ गया है अपना घर ये है और अपने को यहाँ पे उतरने का है। क्योंकि देखिए दोस्तों हमारे इधर देखिए मैं बताता हूँ आपको, इधर के कोने में घर है, उधर शुभम नाम का बोले लड़का है, वो कबूतर है उसके पास, बोले तो बड़ा पिंजरा इतना ही मेरे इतना, और उसके पास स्लैब है, स्लैब पे खोलता है वो बाहर ऐसे पूरे के पूरे, बराबर है। यहाँ लड़के के पास कबूतर है, बराबर है, और यहाँ से छोड़ के उधर गजान महाराज का मंदिर है, वहाँ पे भी कबूतर है, ठीक है। तो ऐसे उधर के साइड में समझ लो 5-6 ए वाले पट्टे में, इधर के पट्टे में समझ लो आप 5-6 कबूतर वाले रहे थे, इधर के पट्टे में 2 कबूतर वाले रहे थे, ये वाले कोने में 1 कबूतर वाला रहता, बराबर है। वो सब जन जो है वो बाहर निकालते कबूतर, पिंजरे के बाहर निकालते, उड़ाते, तार पे बैठाते, सब करते, बराबर है। फिर भी अपने कबूतर जो है किसी के घर पे ना बैठ के जो है अपने घर पे वापस आ गए, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अपने घर पे जो कबूतर है उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे जो है क्वालिटी के अपने घर पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी इन पे उड़ान कितनी है क्या है वो अपन ने नहीं देखे, अपन ने इन पे घर की वापसी कैसी है वो समझ लिया अभी, कि घर पे वापसी अपने कबूतर सही कर रहे हैं, ठीक है। वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, कि आप जोड़ा जो लगाए तो बराबर जो है ना, यूट्यूब पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर ने जो बताया है, बड़े बड़े कबूतर वालों ने जो बताया है, वो हिसाब से भी कबूतर का जोड़ा आप लगाए तो आपके घर पे वापसी अच्छी होगी, नस्ल अच्छी बनेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो मेरे घर पे भी अच्छे नस्ल के कबूतर है कुछ ना कुछ, जिससे मेरे घर पे जो है कबूतर के बच्चे जो है वापसी करते हैं बराबर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आज की इतनी रहेंगी,
वीडियो अच्छी लगी होंगी, आज रात की अपडेट अच्छी लगी होंगी, मेरा कबूतर वापस आ गया वो भी अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। ठीक है।